हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या एक बार लेजर बना दिया जाए तो हमें बार बार लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है। कुछ बिगिनर्स ने ये सवाल पूछा है, तो आइए चलिए समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर एक कंपनी श्याम कंप्यूटर सेंटर बनी हुई। अब हमको ये समझना है कि एक लेजर अगर बनाते हैं तो क्या उसका हम बार बार यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप तो जानते ही हैं, कर ही सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ वी प्रेस करके वाउचर पे आ जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप कुछ परचेजिंग करते हैं या सेल करते हैं तो सेल्स वाउचर पे आ जाते हैं। इस बार सेल्स वाउचर के लिए आप F8 प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्टीज का नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी डेटर पार्टी हम ले लेते हैं। अब देखिए ये डेटर पार्टी पहले से बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो डेटर पार्टी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आए और यहाँ पे एक उमेश नाम से डेटर पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ डी लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ उमेश डी किया है मैंने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसे डालेंगे सन्डी डेटर के ग्रुप में, तो आपको यहाँ भी सन्डी डेटर कर देना है और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया और ये लेजर क्रिएट हो जाएगा हमारा। कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो स्टॉक आइटम की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड 123 आइटम अवेलेबल है, तो यहाँ पे 123 में से 100 आइटम हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो 220 का रेट लग रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके 350 रुपए का बेचेंगे। तो ये 350 की एक कीबोर्ड हमने बेच दी। और फिर देखते हैं दूसरा आइटम हमारे पास क्या अवेलेबल है। टाटा सॉल्ट है, वीट है, ठीक है। तो आप टाटा सॉल्ट बेच दीजिए। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे 5 किलो नमक जो है हम सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। एक की कीमत है 24 रुपए। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मैं GST नहीं लगा रहा, ठीक है। और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। ध्यान दीजिएगा कि उमेश डी जो है डेटर पार्टी हमने लिया था, इसके बाद कोई अगर आपको दोबारा एंट्री पास कर दिया किसी अलग डेट में, ये अलग डेट में एंट्री पास हुई थी। अब यहाँ पर डेट मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ 1/7/2021, ये कर दिया, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पर आने के बाद फिर वही उमेश डी वाला लेजर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये उमेश डी ले लिया, आपने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आए, सेल्स अकाउंट का लेजर लगाया। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड 23 आइटम अवेलेबल है, तो 23 आइटम इसको भी सेल कर देते हैं। तो ये 23 आइटम बेच दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो आप उसका जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि इससे काम आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।